गुड मॉर्निंग क्लास। तो इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं कि 10th CBSE का सिलेबस, उसमें केमिस्ट्री सेक्शन के लिए कितने मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो चलो हम शुरुआत करते हैं। सी गाइस, ऑन स्क्रीन आप ये देख सकते हो कि CBSE 10th क्लास का जो सिलेबस है, केमिस्ट्री सेक्शन आपको 25 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा आउट ऑफ 80। ठीक है, तो हमारे लिए यूनिट नंबर वन जो है, इट इज अ केमिकल सब्सटेंस नेचर एंड बिहेवियर, राइट। सो केमिकल सब्सटेंस नेचर एंड बिहेवियर, सो ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक हमें केमिस्ट्री सेक्शन के अंडर पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद पूरा साइंस का सब्जेक्ट जो है, इसके लिए हमें टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आने वाला है। ठीक है, तो ये टोटल 100 मार्क्स, फिर से 80 मार्क्स थ्योरी के लिए और 20 मार्क्स जो है वो इंटरनल असेसमेंट के लिए डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ठीक है, तो फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूँ कि जो सिलेबस का आपका स्कीम है, ठीक है, तो आपको केमिस्ट्री सेक्शन में केमिकल सब्सटेंस एंड नेचर ऑफ बिहेवियर ये पढ़ना है। तो टोटल 5 यूनिट्स आपके लिए, आपके सिलेबस में है। तो उसमें पहला जो यूनिट है वो केमिस्ट्री से रिलेट करता है। ठीक है, उसके बाद आउट ऑफ 80 टोटल आपका पेपर जो आएगा वो आउट ऑफ 80 आएगा, और उसमें केमिस्ट्री के लिए जो हमारे मार्क्स है वो कितने हैं, तो वो मार्क है 25, राइट। तो होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल CBSE का जो सिलेबस है, उसमें सबसे पहला जो यूनिट है केमिकल सब्सटेंस एंड बिहेवियर, इसके अंडर हमारे लिए फिर से 5 यूनिट्स हैं। तो वो यूनिट कौन कौन से हैं, उसमें कौन से इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमें देखने हैं, वो हमें आज के इस वीडियो में देखना है। क्लियर, तो चलो हम देखते हैं कि कौन से यूनिट्स, फर्स्ट कौन से टॉपिक्स फर्स्ट यूनिट के अंदर आने वाले हैं, राइट। चलो तो केमिकल सब्सटेंस एंड नेचर ऑफ बिहेवियर, केमिकल सब्सटेंस एंड नेचर ऑफ बिहेवियर, इसके लिए CBSE ने हमें टोटल 55 पीरियड्स दिए हैं। क्लियर, तो ये पूरी की पूरी 5 टॉपिक जो आने वाले हैं 55 पीरियड्स में उसको हमें खत्म करना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो टॉपिक है आपका वो कौन सा है, तो सबसे पहला टॉपिक है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो सबसे पहला टॉपिक, वेरी फर्स्ट टॉपिक, दैट इज द केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो बच्चों ये पहला टॉपिक हमें पढ़ना है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, तो इसमें कौन से टॉपिक या फिर कौन से पॉइंट आने वाले हैं, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आएगा, आपको इसमें पढ़ना है हाउ टू राइट केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, उसके बाद आपको क्या पढ़ना है इसमें, यू हैव टू लर्न दैट हाउ टू बैलेंस केमिकल रिएक्शन, हाउ टू बैलेंस केमिकल रिएक्शन, राइट। देन इसमें और क्या पढ़ना है आपको, तो आपको पढ़ना है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस,
इसमें आपको पढ़ना है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शंस आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, उसमें एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शंस है, ठीक है। उसके बाद आपको ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, रिडक्शन रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन को कंबाइन रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो ये सारी रिएक्शंस आपको यहाँ पे देखनी है, ठीक है। सो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन ये आपको लर्न, ओके। इसमें बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस आपको देखनी है, जैसे कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन, देन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, देन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद आपको पढ़ना है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, क्लियर। उसके बाद आपको पढ़ना है रिडक्शन रिएक्शन, ओके। कॉमनली इसको हम कहेंगे रिडॉक्स रिएक्शन, क्लियर। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसके बाद डिकम्पोजिशन के बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, देन रिडक्शन रिएक्शन, और कंबाइनली कलेक्टिवली दोनों को क्या कहेंगे, हम कहेंगे रिडॉक्स रिएक्शन, क्लियर। उसके बाद हमें कुछ टर्म्स भी इसमें पढ़ने हैं, जैसे कि रैंसिडिटी और कोरोजन, ठीक है। सो दिस टर्म वी हैव टू लर्न इन दिस टॉपिक, रैंसिडिटी एंड कोरोजन, क्लियर। तो ये दोनों रिलेट करती है रिडॉक्स रिएक्शन से, रैंसिडिटी और कोरोजन, क्लियर। So this is about the first topic, what we have to learn from first topic, that is chemical reaction and equations. तो आप देख लेते हैं दूसरा टॉपिक जो है हमारा। तो टोटल मार्क्स बच्चों हमारे लिए हमारे पास 25 है, तो हम इनको 5-5-5 में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, बिकॉज वी हैव टोटल 5 टॉपिक्स, ओके। तो हर एक टॉपिक आपको एवरेजली 5 मार्क के लिए पूछा जा सकता है, क्लियर। Then the second topic is acid base and salt. तो second topic जो आपका है वो है acid base and salt, ठीक है। तो second topic acid base salt में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो second topic में आपको पढ़ना है acid का मतलब क्या है, what is the meaning of acids, base का मतलब क्या है, what is the meaning of base, ठीक है, और salts, सॉल्ट्स की प्रॉपर्टीज, ठीक है, उसके यूजेस आपको इसमें पढ़ने, ठीक है। तो सबसे पहला आपको यहाँ पे टॉप कंसेप्ट आएगा, सबसे पहला कंसेप्ट आएगा इंडिकेटर्स, ठीक है। सबसे पहला कंसेप्ट आने वाला है इसमें इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर्स में हमें समझना है कि एसिड और बेस को डिटेक्ट करने के लिए कोई केमिकल सब्सटेंस यूज कर किए जाते हैं जो कि कलर चेंज करते हैं, उनको हम इंडिकेटर्स कहेंगे, राइट। तो दूसरा पॉइंट आएगा आपका कि एसिड्स की बहुत सारी डेफिनेशंस, एसिड के बहुत सारे एग्जांपल्स, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, वीक एसिड, मतलब एसिड का स्ट्रेंथ, ये आपको यहाँ पे पूछा जाएगा या फिर हमें पढ़ना है। देन दूसरा है हमारे पास बेस, ठीक है, दूसरा पढ़ना है हमें बेस। तो बेस की भी बहुत सारी डेफिनेशंस, एसिड की डेफिनेशंस, बेस की डेफिनेशंस, उनकी प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस, केमिकल रिएक्शन ऑफ बेस विद एसिड, तो ये सारे कंसेप्ट हमें इस टॉपिक में पढ़ने हैं, ठीक है। इसके बाद हमें और एक पॉइंट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ना है कि पीएच स्केल, ठीक है, यहाँ पे और एक पॉइंट पढ़ना है पीएच स्केल, क्लियर। तो पीएच स्केल भी पढ़ना है, जो कि एसिड और बेस की स्ट्रेंथ बताता है, राइट। और पीएच स्केल के बाद हमें ये पीएच एवरीडे लाइफ के ये कैसे इंपॉर्टेंट है फॉर आवर एवरीडे लाइफ फॉर डिफरेंट सब्सटेंसेस, पीएच हाउ मच इंपॉर्टेंट टू नो द पीएच, ठीक है। तो ये पॉइंट हमें इसमें देखने हैं, इंडिकेटर्स देखने हैं, एसिड बेस देखना है, ठीक है, उसके डेफिनेशन देखने हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड देखने हैं, बेसिस देखने हैं, ठीक है। देन पीएच स्केल हमें देखना है इस टॉपिक में,
और एरिडाइज में हमारा जो ये जो पीएच है ये कैसे यूज किया जाता है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे कि सॉइल में पीएच का जो वैल्यू है वो कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, इस तरह के कुछ एग्जांपल्स हम इसमें देख लें। राइट, सो दिस इज अबाउट द एसिड बेस सॉइल व्हिच इज द सेकंड टॉपिक। क्लियर, देन आपका जो थर्ड टॉपिक है सिलेबस का, दैट थर्ड टॉपिक इज नथिंग बट द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। थर्ड टॉपिक जो है आपका वो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ये जो है आपका थर्ड टॉपिक है। ठीक है, तो थर्ड टॉपिक है मेटल एंड नॉन मेटल, तो इसमें हमें क्या पढ़ना है, तो वी हैव टू लर्न प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज आएंगी मेटल की, फिजिकल प्रॉपर्टीज आएंगी मेटल की, मेटल किसे कहेंगे, नॉन मेटल किसे कहेंगे, व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन, राइट, दो नॉन मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ और अदर अदर एलिमेंट के साथ, उनकी रिएक्शन हमें देखनी है। ठीक है, सो व्हाट वी हैव टू लर्न इन दिस टॉपिक, वी हैव टू लर्न प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स। तो बच्चों इसमें दोनों प्रॉपर्टीज आएंगी, फिजिकल प्रॉपर्टी भी आएंगी और केमिकल प्रॉपर्टीज भी आएंगी, साथ में उसके केमिकल रिएक्शंस भी आएंगे बहुत सारे। ठीक है, उसके बाद हमें क्या पढ़ना है, इसमें रिएक्टिविटी सीरीज पढ़नी है। क्या पढ़ना है, रिएक्टिविटी रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज फॉर मेटल्स। तो हमें मेटल्स के लिए रिएक्टिविटी सीरीज पढ़नी है। ठीक है, मेटल्स के लिए क्या पढ़ना है, रिएक्टिविटी सीरीज। मतलब क्या है कि मेटल अपने अपने रिएक्टिविटी के थ्रू अरेंज किए गए हैं, लेस रिएक्टिव मेटल, देन हाई रिएक्टिव मेटल। ओके, तो ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है ये भी हमें इसमें पढ़नी है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट या फिर लास्ट वाला जो कंसेप्ट है वो है मेटालर्जिकल प्रोसेस। ठीक है, लास्ट वाला जो है वो है मेटालर्जिकल प्रोसेस। ठीक है, तो लास्ट वाला जो कंसेप्ट है हमें मेटल और नॉन मेटल में पढ़ना है वो है मेटालर्जिकल प्रोसेस। तो मेटालर्जिकल प्रोसेस में हमें क्या देखना है, तो वी हैव टू लर्न इन मेटालर्जिकल प्रोसेस वी हैव टू लर्न हाउ टू एक्सट्रैक्ट द मेटल्स। राइट, सो हाउ टू एक्सट्रैक्ट द मेटल्स। क्लियर, सो अलग अलग तरह के मेटल्स एक्सट्रैक्ट कैसे किए जाते हैं, हाउ टू एक्सट्रैक्ट द मेटल्स फ्रॉम इट्स पर्टिकुलर कोर। राइट, वी हैव टू लर्न फ्रॉम दिस लास्ट कंसेप्ट। क्लियर, सो दिस इज ऑल अबाउट द मेटल्स एंड दिस इज वेरी सिंपल टॉपिक ऑल्सो। देन आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टॉपिक नंबर 4, our next topic is topic number 4, that is carbon and its compound, that is carbon and its compounds। ठीक है, तो last but not least fourth topic is there, carbon and its compound। तो इसमें हमें carbon के versatile nature पढ़ना है, कार्बन के वैलेंसी के बारे में पढ़ना है, कार्बन कैसे कैसे कंपाउंड्स फॉर्म करता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म करता है, उसमें सैचुरेटेड कंपाउंड फॉर्म करता है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड फॉर्म करता है, ये सारी चीज़ें हमें इसमें देखनी है। राइट, देन कुछ कंपाउंड्स के, कार्बन के कुछ कंपाउंड्स हैं जैसे कि अल्कोहल है, ठीक है, जो कि होमोलोगस सीरीज का फर्स्ट मेंबर है इथिल अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल है, कीटोन्स है, अल्डिहाइड्स है, ये सारे कार्बन के कंपाउंड जो है ये हमें पढ़ने हैं। राइट, तो लेट्स सी क्या क्या पढ़ना है आपको, हमें पढ़ना है वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। ठीक है, इसमें बाद में पढ़ना है कोवेलेंट
एंड आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट और आयोनिक बॉन्ड क्या होता है ये पढ़ना है हमें, राइट। साथ ही में हम इसमें कंपाउंड भी देखेंगे, कोवेलेंट कंपाउंड, क्लियर, ठीक है। चलो तो उसके बाद हमें और क्या देखना है, हमें देखना है कि सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स भी हमें देखने हैं, ठीक है। इसके कार्बन से रिलेट करते हैं सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड। उसके बाद हमें क्या देखना है, वी हैव टू लर्न अबाउट द फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप कि फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, ठीक है। कौन से फंक्शनल ग्रुप हमारे पास है पढ़ने के लिए, हमारे पास है हैलोजन, ठीक है, एक्स से डिनोट करते हैं हैलोजन को, हमारे पास है कीटोन पढ़ने के लिए, ठीक है। देन थर्ड एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। देन फोर्थ कीटोन है, एल्डिहाइड है, ठीक है। उसके बाद अल्कोहल है, ठीक है। तो ये कुछ फंक्शनल ग्रुप हमें पढ़ने हैं, राइट। उसके बाद हमें क्या पढ़ना है, वी हैव टू लर्न फ्रॉम दिस टॉपिक इज, वी हैव टू लर्न फ्रॉम दिस टॉपिक इज कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड, इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ कार्बन, कार्बन के कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड और उसकी प्रॉपर्टी भी हमें इस टॉपिक में पढ़नी है, राइट। ओके, सो सी ऑन द स्क्रीन, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन पढ़ना है, कोवेलेंट कंपाउंड भी पढ़ने हैं, आयनिक कंपाउंड भी पढ़ना है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कंपाउंड, फंक्शनल ग्रुप कार्बन के जो कि हैलोजन है, देन कीटोन है, एल्डिहाइड है, अल्कोहल है, इनके स्ट्रक्चर्स हमें पढ़ने हैं, राइट। कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड भी है कार्बन के, वो भी हमें पढ़ना है, राइट। वी हैव टू लर्न दिस कंसेप्ट फ्रॉम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। एंड वन मोर पॉइंट इज होमोलोगस सीरीज, ओके। सो होमोलोगस सीरीज दैट मच ऑल्सो, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, होमोलोगस सीरीज, क्लियर। सो दिस पॉइंट्स वी हैव टू लर्न फ्रॉम दिस टॉपिक, क्लियर। देन उसके बाद हमें पढ़ना है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, दैट इज टॉपिक नंबर 5। सो आई टोल्ड यू दैट ईच टॉपिक इज फॉर कंसीडरिंग 5 मार्क्स, टोटल 25 मार्क्स सिलेबस फ्रॉम केमिस्ट्री सेक्शन फॉर योर साइंस सब्जेक्ट। देन टॉपिक नंबर 5 व्हिच इज लास्ट टॉपिक इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में क्या पढ़ना है हमें, कि मेटल्स को कैसे अरेंज किया गया है डिफरेंट ग्रुप्स में, डिफरेंट पीरियड्स में। लेकिन उससे पहले हमें यह जानना है कि What is the need of classification? What is the need of classification? Right? So very first we have to understand that is the need of classification. So why we need to arrange the elements in particular manner? Right? So very first point, need of classification. Then the next point, early attempts. Early attempts for classification, early attempts for classification. तो metals जो है वो classify किए गए हैं, इसलिए starting से कौन से scientists ने इनको शुरू किया है arrange करना periodic table में। तो इसमें बहुत सारे scientists है, जैसे कि सबसे पहले scientist है Debonairs, उन्होंने ट्राइड ये कंसेप्ट दिया था। उसके बाद न्यूलैंड्स के अपटेव, ठीक है, उसके बाद मेंडेलियव है, उन्होंने भी पीरियोडिक टेबल जो है वो कैसे अरेंज किया है वो हमें पढ़ना है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमें पढ़ना है, ग्रुप्स में कैसे रखते हैं एलिमेंट्स को, पीरियड्स में कैसे रखते हैं एलिमेंट्स को, ऑल दैट पॉइंट वी हैव टू डिस्कस डीपली, क्लियर। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट पॉइंट दैट इज ग्रेडेशन इन प्रॉपर्टीज, ग्रेडेशन, ग्रेडेशन इन प्रॉपर्टीज
एलिमेंट्स। तो ये भी पॉइंट हमें पढ़ना है कि ग्रेडेशन इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट जो है, मतलब कि अलग अलग एलिमेंट कैसे कैसे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियडिक टेबल एंड फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द पीरियडिक टेबल गोइंग टू चेंजेस देयर प्रॉपर्टीज। सो दिस पॉइंट वी हैव टू डिस्कस, वी हैव टू डिस्कस द वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन, वी हैव टू डिस्कस द आयनिक कंपाउंड्स, देन कोवेलेंट कंपाउंड्स, हाउ टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड, हाउ टू फॉर्म आयनिक बॉन्ड, राइट। देन वी हैव टू डिस्कस अबाउट द नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, देन विच साइंटिस्ट अटेम्प्टेड टू क्लासीफाई द डिफरेंट एलिमेंट्स, ये भी हमें जानना है, ठीक है। उसके बाद एलिमेंट्स ग्रुप में जो है वो कैसे है, पीरियड में जो है वो क्यों है, ओके, व्हाट इज द सिमिलैरिटीज बिटवीन देम, व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन देम, वी हैव अंडरस्टूड दिस वन आल्सो, क्लियर। सो दिस इज ऑल ऑफ योर ऑल टॉपिक्स, टोटल यू हैव 5 टॉपिक्स, क्लियर, और 25 मार्क्स आपको केमिस्ट्री सेक्शन से आने वाले हैं, ठीक है। सो बी प्रिपेयर फॉर दैट, राइट। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।